न्यू मार्केट जीवरी मंडी स्थित चैम्बर भवन में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्योग एवं व्यापार में विभागीय जांचों के दौरान नियमों में विसंगति के कारण आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की। न्यू मार्केट जीवनी मंडी स्थित चैम्बर भवन में नेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यूपी आगरा की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उद्योग एवं व्यापार में विभागीय जांचों के दौरान नियमों में विसंगतियों के कारण आ रही समस्याओं के संबंध में चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे चैम्बर अध्यक्ष अतुल गुप्ता ने कहा कि फूड विभाग के द्वारा मसाला उद्यमियों को विभिन्न जाँचों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। चैम्बर इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, बहुत पुराने ब्रांड हैं, एमडीएच और एवरेस्ट की जो जांचें हैं, की रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें जो पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा पाई गई है, हम सभी इंडस्ट्रीज इस पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करते और यह मानकों में कुछ तब्दीलता लाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें किसान अपनी खेती के लिए उर्वरकता की क्षमता बढ़ाने के लिए या उसकी फसल को अच्छा करने के लिए वो करते हैं। इस चीज़ से हमारी इंडस्ट्रीज का कोई भी आर्थिक कोई भी स्वार्थ हम लोगों का नहीं है और लगातार इस चीज़ से इस इंडस्ट्रीज पे काले बादल छा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक का विश्वास किसी भी स्टेटमेंट से एक ब्रांड के लिए बहुत उनके लिए नेगेटिव पॉइंट बनता है और वो ख़राब होता है, क्योंकि ब्रांड बनाने में बहुत अधिक से अधिक समय लगता है। ये बात हमें सरकार तक रखनी है और आपके माध्यम से इसमें कोई बदलाव होना बहुत जरूरी आवश्यकता है। इस तरीके से मसाला उद्योग में उनका कहना कि साहब पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जा रहा है, तो हमारा इन सभी मसाला उद्योग के सभी प्रमुख लोग यहाँ मौजूद हैं, इन लोगों का भी कहना है और हम लोगों का भी मानना है कि जो पेस्टिसाइड या केमिकल मिलाया जाता है या डाला जाता है, वो किसान अपनी खेती में जब उत्पादन करता है तो उस समय वो पेस्टिसाइड का अपनी फसल को कीड़ों से अपनी फसल को अच्छा उत्पाद बढ़ाने के लिए वो उसको यूज करता है, तो इनकी ओर से कोई भी उसमें पेस्टिसाइड या केमिकल नहीं मिलाया जाता है। तो आज हमारा मकसद यही था कि सरकार से और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कि आप लोग नियमों को इस तरीके से सरलीकरण करें, जो मसाला उद्योग कुटीर उद्योग है और आगरा में इतने फेमस ब्रांड हैं, जो बरसों की तपस्या और बरसों की मेहनत के बाद एक ब्रांड बन पाता है और उसमें उनका ये कहकर के इन मसालों वालों के द्वारा इसमें पेस्टिसाइड का यूज किया जा रहा है। चैम्बर भवन में आयोजित बैठक में शहर के प्रमुख मसाला उद्योग से जुड़े प्रमुख व्यापारी मौजूद रहे। ये जो पेस्टिसाइड वाला मैटर चल रहा है इसी के रिगार्डिंग है, इसमें हम लोगों के सैंपल फेल हुए और 265 जांचें कराई गई एक प्रोडक्ट की, जिसमें से ऑलमोस्ट 264 जांचें हमारी सही पाई गई हैं और जो गलत भी है वो पेस्टिसाइड का जो मात्रा बढ़ी हुई आई है उससे हमारे इंडस्ट्री का या हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड का उपयोग हम लोग डायरेक्टली नहीं करते। ये जो भी है ये साबुत मसाले में पीछे जहाँ पे इसका ओरिजिन है, जहाँ से फसल आ रही है उसके द्वारा किसानों के द्वारा मिलाया जाता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी समस्या यही थी कि जो किसानों द्वारा पेस्टिसाइड यूज किया जा रहा है, उस पेस्टिसाइड को यूज करने से हमारी इंडस्ट्री पर काले बादल बन गए हैं। हमें इन पेस्टिसाइडों की कोई भी जानकारी नहीं है और किसान इन चीज़ों को यूज कर रहा है जिसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। सरकार से यही निवेदन है कि इस चीज़ को हमारी समस्या को समाधान करें और पेस्टिसाइड के लिए किसानों के लिए कुछ रूल्स बने जिससे कि हम बच सकें उस चीज़ को लेकर। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।